हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं, जो आपके हिंदी की क्लास 8th की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। आपकी 5 अक्टूबर की बच्चों ये वर्कशीट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जो स्मार्ट वॉच जीता था, उसकी वीडियो के लिए तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि हमें उसकी वीडियो देखनी है। तो बच्चों, इसी वीडियो में मैं आपको उस बच्चे के साथ उसकी वीडियो दिखाऊंगा, जिनने उस बच्चे ने उसके फीचर भी बताए। बच्चों, इस वॉच के अंदर बहुत सारे फीचर हैं। अगर आप लोग भी विनर गिफ्ट जीतना चाहते हो तो देखो, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मैं ऐसा क्या गिफ्ट ऐड करूँ, क्योंकि व्लॉग तैयार है, सिर्फ गिफ्ट ऐड करना है। तो सभी बच्चे 8400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8400 400 400 पे, नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें, तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। अपनी अपनी चॉइस बताएंगे कि आप लोगों को किस तरीके का गिफ्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं उसमें वो ऐड करूँगा। चलिए, जाति न पूछो संध्या की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, आवत गौरी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक एक की एक, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं कबीरदास, अपनी इस शाखा के माध्यम से कह रहे हैं, जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या फिर तलवार की धार को महत्ता या वीरता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान के प्रयत्न। देखो, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देखना चाहिए कि वो साधु है सज्जन है कुछ भी, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, ज्ञान को देखकर उसे जज करना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहते हैं कि कटु वचन के जवाब में गाली, अब शब्द कटु वचन नहीं कहना चाहिए, ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम का काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में या अपशब्द नहीं कहना चाहिए, इसमें देखा अपरिचित शब्द, साधु का साध का उल्टा क्या होता है बच्चों, मतलब उसके जैसा, उल्टा नहीं अपरिचित मतलब उसके जैसा, तो आप उसे साधु भी बोल सकते हैं, सज्जन भी बोल सकते हैं। मोल का क्या हो सकता है, कीमत भी सम्मान भी। म्यान का क्या हो सकता है, तलवार रखने का खोल। गौरी का क्या हो सकता है, गौरी का होता है गाली देना और अपशब्द या कटु वचन कहना। उल्टत का क्या होता है, जवाब देने पर, ठीक है। तो ये आपके अपरिचित शब्द दिए गए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट में आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा साधु संत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सज्जन हमने पढ़ा था, सभ्य पढ़ा था, भद्र हो सकता है, आपका गगन एक बार को नहीं हो सकता है। तो सभी बच्चे इसका क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड ये वर्कशीट कंप्लीट करा सकूं, ठीक है बच्चों। देखिए, तो आपका इसमें गगन आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका सही है। सेकंड, निम्न में से अनेक का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। सबको पता होगा अनेक का एक होता है। इसमें कहा गया, कबीर जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए, ठीक है। देखो, इसमें क्या पढ़ा था हमने, साधु या संत। देखो, आप लोग कहां से लिखोगे, यहां से लिखोगे साधु। मैं एक बार रफ कर देता हूं, जिससे हर बच्चा अच्छे से समझ सके, ठीक है। आपको कहाँ लिखना है, साधु से लिखना है। साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया बच्चों, उत्तर आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। देखिए, इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि इसका वर्कशीट में नहीं दिया, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्योंकि, आंसर नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको लिखना है क्योंकि
युद्ध में तलवार काम आती है। तलवार काम आती है। हाँ ना कि म्यान। ठीक उसी प्रकार हमें मनुष्य के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। बजाय उसकी जाति और धर्म को, ठीक है, उसकी जाति और धर्म को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उसके गुणों को। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसके आगे आपको क्या कहा गया है, बोला गया है कि किसी के द्वारा गाली आप सब देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं। इसका भी आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं, आंसर नंबर 5, क्योंकि अगर हमें हम भी उसे अपशब्द कहेंगे तो फिर से अनेक फिर से अनेक गालियां बनकर ही हमें वापिस आएंगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पूछा गया है, उपयुक्त संख्यों में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अनुच्छेद के रूप में विचार कीजिए। देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, अनुच्छेद के रूप में आपको विचार करना है। पहले उसका वो लिखना है, फिर आपको उसका मतलब लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला अनुच्छेद लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। आप ये वाला लोगे, ठीक है, आप ये वाला लिखोगे फर्स्ट अनुच्छेद। ठीक है, ये आप अनुच्छेद लिखोगे गतिविधि का। ठीक है, यह अनुच्छेद हो गया। और बच्चों इसमें आपको साथ में इसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपको पूरा लिखना है गतिविधि में। अब देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस बच्चे ने सुजीत सिंह और वर्सटाइल मेडिकल साइंस को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब, क्योंकि 60% बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अब बच्चों मैं आपको उस वीडियो को दिखा देता हूं जो स्मार्ट वॉच बच्चे को मिली है, और इसके बाद सभी बच्चे मुझे देखने के बाद कमेंट करेंगे कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद। हेलो गाइस, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका गिफ्ट आ चुका है, देखो अब मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। ये रही हमारी घड़ी और ये पर्ची है। ये घड़ी हमारी और ये बैंडेज का और ये डाटा केबल। ये मैंने घड़ी चार्ज नहीं थी, अभी चार्ज किया। अब देखो इसे चालू करता हूँ, ये देखो
इसमें स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स मैदान है, स्किप है, स्टप है, मैसेज मोड में कैमरा, लुकिंग फॉर म्यूजिक, वेदर एंड रीसेट। और अगर इसे फोन से कनेक्ट करना है तो स्कैनर है, इसे स्कैन करके हम इसे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं।